Okay, so guys, welcome to the blog and see what beauty we have in our menu. So चलो, और इसको देख के मेरे को एक गाना याद आ गया, पता है कौन सा? सफर है ये कैसा सफर, मंजिलों की नहीं है खबर. सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर. सफर कैसा है ये सफर. हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग. माय नेम इज सुमित तिवारी एंड यू आर वाचिंग सुमित तिवारी फिल्म्स. सो अभी हो रहे हैं सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ सतारा. सो सतारा क्या है, क्यों फेमस है, चलो आपको रास्ते में बताता हूँ. फिलहाल बाइक को स्टार्ट करता हूँ. नींद में ब्लॉग स्टार्ट किया था, फिर अभी जस्ट 25 किलोमीटर हमने कंप्लीट किया और इधर चाय के लिए ब्रेक लिया था पीछे, तो अभी जस्ट हाईवे पे ही हूँ. और मेरे साथ है स्वप्निल, इसकी बाइक है, आगे से भी लोग ज्वाइन करने वाले हैं. तो चलो रास्ते में आपको दिखाता हूँ, इधर का व्यू बहुत सही है, तो एक बार रास्ते में आपसे दिखाता हूँ कि कैसा है, और कहीं बीच में रुकना हुआ तो वो भी चीज़ें दिखाऊंगा कैसा है क्या है. सो हेलो गाइस, वेलकम टू द मोटो ब्लॉग. आफ्टर सो लॉन्ग, वेलकम टू द मोटो ब्लॉग. सो जैसे कि मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं सतारा. तो ब्लॉग मैंने तो स्टार्टिंग में स्टार्ट ही कर दिया था, सुबह 6 बजे उठा, हालत ख़राब थी, इतना सुबह उठने की आदत नहीं, बट ठीक है, उठ गए और मस्त निकल चुके हैं सतारा के लिए. अब मैं बताता हूँ सतारा में आखिर कहाँ जा रहे हैं. सतारा में हम जा रहे हैं कास प्लेटू. सो एक जगह है जिसका नाम है कास प्लेटू, तो वो जगह फेमस है फूलों के लिए, मतलब ये सितंबर, मिड ऑफ सितंबर से लेके अक्टूबर तक एक बहुत बड़ा पहाड़ है, पठार है एक्चुअली, उसको कास पठार ही बोलते हैं और इंग्लिश में उसका नाम कास प्लेटू है. तो वहाँ फूलों के लिए बहुत फेमस है, वो पूरा पहाड़ फूलों से भर जाता है और वो यूनेस्को में भी मतलब शामिल है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है वो. यार अगर आप कभी पुणे के लोगों से मिलोगे, जो आउट ऑफ पुणे वाले लोग वीडियो देख रहे हो या पुणे से जानते हो या पुणे कभी घूमे हो, तो पुणे का यार एक अलग ही खूबसूरती है मानसून में, कि आप पुणे से किसी भी डायरेक्शन में अगर आधे से एक घंटे बाइक चला दिया ना, तो आपको ऐसे टाइप के व्यू आने लगेंगे. आई डोंट नो अबाउट द बैंगलोर, बट पुणे में तो ऐसा ही है. देख रहे हो ये गांव है, कितना ब्यूटीफुल गांव है, सोचो क्या ही मजा आएगा बाइक चलाने में. इधर आएगा ना मजा. कभी कल मैं अपने मोतिहारी वाले दोस्तों को बड़ा मिस करता हूँ इन सब जगह पे. अरे कोबरा ने फिर थूकेगा. मोतिहारी वाले जो दोस्त है मेरे ना, साला दिल के करीब है, तो उनके साथ अगर इधर वाले ट्रिप पे आए ना, अगर उनके साथ इधर ट्रिप पे आए ना, तो वाओ मजा आ जाएगा. हरामी है पर टेढ़े पर मेरे हैं. ओके
सो गाइस हम लोग फाइनली 150 ड्राइव करने के बाद कैस प्लेटू पहुँच गए हैं। और यहाँ ऐसा है कि कैस प्लेटू जाने से पहले आपको अपने बाइक डायरेक्ट उधर लेके नहीं जा सकते, उसके पहले एक पार्किंग है। जैसे मेरे पीछे ये पार्किंग दिख रहा है, तो इस पार्किंग में आपके पास फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर हो यहाँ पार्क करना है। और यहाँ टिकट मिलता है, टिकट काउंटर है, मैं दिखाता हूँ। और इस टिकट यहाँ से टिकट काउंटर से 150 रुपये का टिकट लेके जाना है, लेना है। और फिर ये जो पीछे मेरी गाड़ी जो दिख रही है, ये गाड़ी, तो ये गाड़ी आपको ले जाके कैश प्लेटू पे छोड़ेगी। अपना खुद का गाड़ी नहीं ले सकते, वो 150 रुपये में इंक्लूडेड है ये गाड़ी। सो वो गाड़ी में बैठ के हम लोग फाइनली ये कैश पठार आ गए। सो यहाँ ना तीन गेट बने हुए हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3। सब जगह मतलब डिफरेंट डिफरेंट फूल है, बट ऐसा नहीं है कि पॉइंट वाइज एकदम ही अलग है। सो हमारा हो गया अभी कैस प्लेटू वाला टूर। कैस प्लेटू में जितना जगह घूमना था, जो जो कवर करना था, वो हमने कवर कर लिया। अभी इधर हैं हम पार्किंग में, अब इधर से बाइक उठाते हैं और अब हम निकलेंगे महाबलेश्वर के लिए। एक्चुअली प्लान में कुछ चेंजेस आया कि हम लोग को कैस प्लेटू के बाद महाबलेश्वर पंचगणी घूमने का है। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5, पाँच बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, शाम के हो रहे हैं 5। तो देखते हैं पंचगनी यहाँ से 20-25 किलोमीटर पड़ता है, तो वो कवर करेंगे। और आगे कुछ अगर अपडेट होता है तो मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस मैंने आपको बताया नहीं था कि हमारा क्या हो रहा है। एक्चुअली मैं हम ना कैस प्लेटू घूमने के बाद हम आ गए महाबलेश्वर, और इधर ये विला बुक किया जो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, मतलब अभी जो दिखेगा ये विला बुक किया। इधर स्टे किया हमने रात में, अभी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग। सो अभी प्लान है कि आसपास का मार्केट घूमने के लिए, मैप्रो गार्डन है वो घूमने के लिए, और एक महाकालेश्वर एक मंदिर है, महाबलेश्वर मंदिर, तो वहाँ जाने का। सो चलो वहाँ घूमते हैं और आपको दिखाते हैं। सो यही पीछे जो आपको दिख रहा है, यही चलो चलो यहाँ का जो बेस्ट चीज़ें रहता है वो आपको दिखाते हैं। सो अभी बज रहे हैं दिन के 10, और हम चेकआउट करके होटल से और निकल गए हैं, और अभी हम महाबलेश्वर में महादेव मंदिर के पास में हैं।
दर्शन हो गया महाकालेश्वर मंदिर का, और महाकालेश्वर मंदिर के जस्ट बगल में है एक पंचगंगा जहाँ से पांच नदियों का मिलन होता है, तो उसका भी दर्शन हुआ। बट मंदिर में क्या बोलते हैं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था तो मैं नहीं बनाया। बट अगर महाबलेश्वर आप आ रहे हो तो डेफिनेटली ये सारी जगह विजिट करो। अभी देखो एक मंदिर है जिस पे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, और कितना सही बनाया गया है इसको सीढ़ी, और पुराना मंदिर है, पुराना मंदिर लगभग है। और जो शंकर भगवान का जो शिवलिंग है वो एग्जैक्ट रुद्राक्ष जैसा दिखता। सो अगर आप महाबलेश्वर आ रहे हो और विजिट करने, मतलब महाबलेश्वर आ रहे हो, बहुत सारे साइट वगैरह आप विजिट करने, तो बेस्ट होगा कि आप इन दो तीन जो मंदिर हैं यहाँ भी विजिट करो। जैसे ये पीछे में आप जो देख रहे हो यही है पंच गंगा, जहाँ पांच नदियों का संगम होता है। हम लोगों ने पानी इधर बॉटल में फिल किया, आप भी फिल कर सकते हो, बाहर बॉटल मिलता है, आप आओ फिल करो। अभी हम सीढ़ी से चढ़ रहे हैं, एक दूसरे मंदिर के तरफ जा रहे हैं, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपके पास, तो चलो दिखाते हैं। सो वो देखो एक दूर जो मंदिर दिख रहा है वही था महाबलेश्वर का मंदिर, ये पंच गंगा, और एक अभी जो जहाँ जा रहे हैं। सो चलो